एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशियो ऑफ, यानी इनका अनुपात फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या अनुपात ज्ञात करना है? ए पार्ट में मिला है ₹5 to ₹50, यानी ₹5.50 का अनुपात फाइंड कीजिए, रेशियो फाइंड कीजिए। तो देखिए, जैसे लिखा है उसी फॉर्म में आपको रखना है। सबसे पहले ₹5 लिखा है तो ₹5 को आप अपॉन के ऊपर लिखेंगे, और फिर 50 पैसे लिखा है, 50 पैसे बाद में है, तो इसीलिए आप इसे अपॉन के नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो इसे ऐसे अरेंज करेंगे। अब देखिए, आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, ऊपर रुपीज है, नीचे पैसे है। इस तरीके से रेशो नहीं निकाला जाता, आपको दोनों ही यूनिट्स को सेम करना होगा। या तो इसे रुपीज में कर लीजिए या फिर इसे पैसे में कर लीजिए। तो इजी क्या रहता है? इजी रहता है कि आप रुपीज को पैसे में चेंज करें, यानी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करें। तो हमें पता है कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ये हमें पता है। तो 5 रुपीज में, 5 रुपीज में कितने पैसे होंगे? 5 multiply by 100, इस 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 500, यानी 500 पैसे। तो 5 रुपए में 500 पैसे होते हैं। तो अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब आप इसे 500 पैसे लिखिए, क्योंकि अब आपने इसे कन्वर्ट कर लिया है, और 50 पैसे एज इट इज रहेगा, राइट? अब पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएंगे, 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा। 5 के टेबल में 50 कब आता है? 10 पे। कितना आया? 10। 5 ones are 5 और 5 tens are 50। अपॉन के ऊपर है 10 और अपॉन के नीचे है 1, यानी 10 upon 1। तो इसे आप रेशो में लिखेंगे, 10:1। ये है आपका फाइनल आंसर, 10:1, यानी 5 rupees 50 paise का 10 times है। अगर 50 paise 1 time है तो 50 paise का ही 10 times है 5 rupees। 10:1 या 10:1, ये हमारा फाइनल आंसर है। इन द बी पार्ट वी हैव 15 kilogram to 210 grams, और हमें इसका रेशो यानी अनुपात फाइंड करना है। तो सबसे पहले 15 किलोग्राम लिखा है तो इसे आप अपॉन के ऊपर लिखेंगे, 210 है इसके बाद, सो यहाँ पर 210 ग्राम्स लिखेंगे। अब आप फिर इस चीज को नोटिस कीजिए कि ऊपर किलोग्राम है और नीचे ग्राम है, इस तरीके से रेशो फाइंड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यूनिट्स को सेम करेंगे। इनमें बड़ा है किलोग्राम, तो हम किलोग्राम को ही ग्राम्स में चेंज कर लेंगे। हमें यह पता है 1 किलोग्राम में 1000 grams होते हैं, ये हमें पता है। तो 15 किलोग्राम में क्या होगा? 15 kilogram is equal to 15 multiplied by 1000, क्योंकि हमें ग्राम्स में चेंज करना है। सो क्या कितना आ जाएगा? 15,000। कितना आएगा? 15,000 grams, यानी कि 15 किलोग्राम क्या है? 15,000 ग्राम्स है, और अपॉन में 210 ग्राम्स को एज इट इज रखेंगे। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे है 21 और ऊपर है 1500, 10 तो कैंसिल हो चुका है। तो ये जो है दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो मैं इसे 3 से कैंसिल करूंगी। 3 sevens are 21 और 3 fives are 15, और ये 2 zero है तो यहाँ पे 2 zero लिख देंगे। तो ऊपर कितना आया? 500 अपॉन, नीचे कितना है? 7। अब ये दोनों डिजिट्स किसी सेम टेबल से नहीं कटते, यानी यही हमारी लोवेस्ट फॉर्म है। रेशो निकालने के लिए आपको कैंसिल करके उसे लोवेस्ट फॉर्म में लाना होगा, सबसे सरल रूप में, जिससे आगे कैंसिल नहीं हो सकता हो। तो इससे आगे ये कैंसिल नहीं होगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, विच इज 5:7। 5:7 इज आवर फाइनल आंसर। इन द सी पार्ट वी हैव 9 meter to 27 centimeter, और इसका हमें रेशो फाइंड करना है। तो सबसे पहले 9 meter को अपॉन के ऊपर लिखेंगे, 27 सेंटीमीटर को अपॉन के नीचे लिखेंगे। अब आप देखिए,
लीटर में है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स को सेम करेंगे। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 9 × 100 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा? 900 सेंटीमीटर, यानी कि 9 मीटर बराबर है 900 सेंटीमीटर के, और 27 सेंटीमीटर एज इट इज रहेगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर है 27, न्यूमरेटर है 900, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा? 9 से, क्योंकि 9 के टेबल में दोनों आते हैं। सो 9 × 3 होता है 27, 9 × 1 = 9, और ये जो 2 जीरो है इसे भी लिखेंगे, सो ये हो जाएगा 100। तो अभी ये किस फॉर्म में आ गया है? ये 100/3 के फॉर्म में आ चुका है। अब आप क्या इसे किसी एक टेबल से काट सकते हैं? नहीं, ये आगे नहीं कटेगा, कैंसिल नहीं होगा। सो यही हमारा रेशो होगा 100:3। 100:3 इज आवर फाइनल आंसर। डी पार्ट में हमारे पास है 30 days to 36 hours, इसका हमें रेशो फाइंड करना है। सो 30 days upon 36 hours। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी यूनिट्स डिफरेंट है, न्यूमरेटर डेज में है, डिनोमिनेटर आवर्स में है, तो हम इसे सेम कर लेंगे, हम दोनों को ही आवर्स कर लेंगे, यानी घंटे में बदल लेंगे। तो हमें पता है कि 1 day में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 hours होते हैं, तो यहाँ पर कितने डेज है? 30 days है, तो 30 days में कितने आवर्स होंगे? 30 × 24, क्योंकि 24 hours होते हैं एक डे में, तो 30 days को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, जब जैसे पीछे जीरो है तो जीरो तो आएगा ही, फिर 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 = 12, 12 × 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर कैरी ओवर, 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7, तो कितना आया? 720 hours आए, यानी 720 घंटे। सो 720 hours upon 36 hours। अब ये दोनों यूनिट्स आवर्स में चेंज हो चुके हैं, अब इन्हें आप कैंसिल कर सकते हैं, आवर्स से आवर्स कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों के दोनों 12 के टेबल में आते हैं, 12 × 3 होता है 36, और 12 × 6 होता है 72, और एक जीरो भी है तो जीरो भी रहेगा, यानी 60/3। अब 60/3 जो है ये और आगे कैंसिल हो सकता है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और ये जीरो। अब कितना आया? अब आया 20/1। 20/1 को कैसे लिखेंगे? 20:1। सो हमारा फाइनल आंसर क्या है? 20:1, यानी 30 days जो है, ये 20 क्या दिखा रहा है? ये 20 days दिखा रहा है, हमने ऊपर डेज लिखा था और नीचे आवर्स लिखे थे 36 hours, तो ये जो 20 days है ये 36 hours का 20 times है। कितना टाइम्स है? 20 times है। सो हमारा फाइनल आंसर है 20:1।